बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हर मुआशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने ख्यालात से पूरे मुआशरे के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, और यकीनन पूरी दुनिया के मुआशरों में ऐसे चंद लोग ही हुआ करते हैं। मेरी गल हो रही है। हम खुश नसीब हैं कि हमारे मुआशरे में भी अभी कुछ लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे इनको देखकर हमेशा वो फिराक का शेर याद आता है, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। वाह वाह वाह। तो आज जो हमारी पहली मेहमान शख्सियत हैं वो ऐसी ही शख्सियत हैं, अल्लाह ताला उनको तवील उम्र अता फरमाए, मगर जो जो लोग उनसे मिलते हैं वो हमेशा अपनी महफिलों में ये जिक्र करते हैं कि हमारी उनसे मुलाकात हुई है, हमने उन्हें देखा है, हमने उन्हें सुना है, हमने उनसे बातें की हैं, हमने उनसे सीखा है। मेरा भी फ़ख्र है कि मैंने उनको कई मरतबा इंटरव्यू किया और इन्होंने कई मरतबा हमारे शोज़ को इज्जत बख्शी। वन एंड ओनली डॉक्टर खालिद जमील, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। इट्स अ प्लेजर बिग ब्रदर। थैंक यू। और दूसरी जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो अभी वैसे तो कम उम्र है मगर भाई क्राइम शो करती हैं, तो इनसे भी ज़रा बात होगी, और फिर डॉक्टर साहब का चूँकि सब्जेक्ट जो है वो नफ्सियात है तो फिर ज़रा इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि जो क्रिमिनोलॉजी है ये क्या होती है, और क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान क्राइम रिपोर्टर की नफ्सियात में क्या तब्दीलियां जो है पैदा होती हैं या पैदा हो सकती हैं। अद्दा क्राइमर थे आप हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खान, वेलकम टू द शो सोनिया। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। मगर आज मैंने सोचा कि हम मोहब्बत से आगाज करेंगे, है ना। तो ज़रा ये बताइए कि न्यूरोलॉजिकली हम तो ये समझते हैं कि बस दिल जो है वो धड़कता है भाई किसी को देख के, ठीक है ना, और एक अजीब धड़कने बेतरतीब हो जाती हैं और सांसें फूल जाती हैं, आंखों में एक चमक ड्रिप लग जाती है जी। एक तुसी डॉक्टर, एक क्या डॉक्टर मेरियां दवाइयां भी खा जाता है। न्यूरोलॉजिकली भी कोई इसकी साइंटिफिक कोई हैसियत है या बस इसका ताल्लुक जो है रूह से है और दिल से है? इसको समझने के लिए एक छोटी सी मैं पहले डेफिनेशन आपको बता दूं जो मेरे अंदाजे के मुताबिक। मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपको अच्छा लगता है उससे आपको प्यार होता है। अच्छा, ठीक है। और जिसे देख के आपको और बार बार देख के आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है वो मोहब्बत कहलाती है। और जिसे देखे बगैर आप रह ही ना सके वो इश्क कहलाता है। क्या क्या है? और अगर ये इससे भी आगे बढ़ जाए जुनून की कैफियत तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो क्योंकि फिर आप उस जुनून के अंदर जो कवायद और ज़वाबत है वो भी तोड़ देते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ नेगेटिव फिनोमेनन। अच्छा, फिर कोट पहनती है भाई। बिल्कुल। और अगर न्यूरोलॉजिकली देखें तो ये जो जुमला आपने सुना है ना अक्सर कि फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, जी जी जी, कि आपने किसी को देखा और आप इश्क में गिरफ्तार हो गए, ये ऐसा ही नहीं होता। ये हमारे ब्रेन में एक टेम्पोरल लोब होता है। अच्छा। और उसके अंदर हमारी पसंद का चेहरा कुंदा होता है पहले से, ठीक है। हमारी पसंद का मौसम, वाह, हमारी पसंद की मौसीकी, ये जो बिल्कुल हमारी होती है ये वहां पे होती है। आपकी बात से एक अपना पुराना शेर याद आ गया कि कौन कहता है मुलाकात मेरी आज की है, कौन कहता है मुलाकात मेरी आज की है, तू मेरी रूह के अंदर है कई सदियों से। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब आप कहीं ना कहीं अपनी ही तकमील कर रहे होते हैं, जैसे फैज साहब ने कहा ना कि अपनी तकमील कर रहा हूं मैं, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। तो क्या आदमी अपनी ही तकमील कर रहा होता है बुनियादी तौर पे? मैं बिल्कुल, और मैं आपको लुत्फ की बात बताऊं कि मैंने ये शेर फैज अहमद फैज से उस वक्त सुना जब वो आप म्यो में थे, जब म्यो में थे और वो मतलब अलील थे। जी बिल्कुल, हाँ, उस वक्त समझ नहीं आया था। अच्छा, यही शेर फैज अहमद? जी बिल्कुल, मुझे पता है उन्होंने वो मास्क पहना हुआ था ऑक्सीजन का, और मैं शायर को देख के, तो आपको पता है ना इंसान कहता है कि जी मुझे कुछ सुनाएं आप। हाँ, कितनी तारीखी बात है, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये शेर फैसला ये मैंने उनसे यानी वहां पे म्यो में सुना। अच्छा, अब वो बात भी मुझे समझ में आई कि जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं या कुर्बानी देते हैं तो बेसिकली आप अपनी नजरों में बुलंद हो जाते हैं, तो आपकी तकमील हो रही होती है। और तो किसी से प्यार करना बुनियादी तौर पर कहीं खुद से प्यार करना हुआ? I think in a way, because आप जो आप देखिए एक तो नार्सिसिज्म नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं वो उस पे इतराना, अच्छा, उस पे आपकी अना का हावी हो जाना, हाँ,
ये जो है ना, ये नार्सिसिज्म में आ जाएगा। अच्छा, बाज़ू का जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, महबूब है, औलाद है, दोस्त है, कोई भी जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, बाज़ू का आप तमाम तर उसके वजूद को एक्वायर करके और अपने मुताबिक कमांड करना चाह रहे होते हैं, इस बिहेवियर को क्या कहेंगे? और बाज़ू का आप मोहब्बत कर रहे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि जैसे वो जीना चाहे, उसमें आपको खुशी मिल रही होती है। अब ये दो मोहब्बत के रवैये ऐन मुमकिन है कि दोनों मोहब्बतें सच्ची हों, मगर ये दो मुख्तलिफ उसके रिजल्ट्स या रवैये आते हैं, इन दोनों रवैयों को आप कैसे देखें? मेरे नज़दीक मोहब्बत करने वाला जो है वो जिससे मोहब्बत की जाए उसको स्पेस देता है, ठीक है, और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर अपनी शराइत पर नहीं करते, ठीक है, इसलिए वो जो दूसरा वाला सिनेरियो है वही सही है। दूसरा वाला सिनेरियो डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਬੇਗਮ ਜੀ ਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਹੈ ये मोहब्बत नहीं है, ये तो किसी को कैद करना हुआ। ओ नहीं भाई जी, किराया बड़ा लगता जान दा सारे दूर में। एक बारी जे कल्ला तो त्रै त्रै महीने वापस नहीं जाऊं। तो जब आप उसके साथ बुरा सलूक करेंगे तो क्यों वापस आएगी? बुरा सलूक मेरा के ओदा जड़ी 3 महीने वापस नहीं हूं। मैं इथे कड़ी पकौड़े खा खा पागल होया। यार ये बड़ी बात है कि बेगम की अदब मौजूदगी में आपको कड़ी पकौड़े मिल जाते हैं। और नहीं, वो नाल दे होटल वाला पकांदा ही हो। तो डॉक्टर साहब, आपको कौन सी वाली मोहब्बत हुई? मेरा एक जो अपना ऑब्जर्वेशन है, ये जो हर आदमी का एक अपना राय होती है, मैं समझता हूँ कि जो औरत होती है उसे मोहब्बत, ये उसका हक है, उससे होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत से भी ज़्यादा बढ़ के इज्जत उसको मिलनी चाहिए। दुरुस्त बात। औरत मोहब्बत के बगैर अधूरी होती है, जबकि इज्जत के बगैर वो औरत औरत ही नहीं होती। वाह। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप एलेबोरेट करें कि जब आप इज्जत कह रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो औरत की ताज़ीम के लिए ज़रूरी हैं? मैं ये समझता हूँ कि औरत जब तक मर्द की पहुँच से दूर रहती है तब तक वो उसके लिए बड़ी अहम और दिलकश होती है। ओके। और जू ही वो मोहब्बत का इकरार कर ले, आम तौर पर मर्दों की नज़र में उसकी अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, जबकि औरत की नज़र में मर्द की अहमियत और बढ़ जाती है। और वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि औरत इकरार सुनकर कैद हो जाती है, वाह, और मर्द इकरार करके आज़ाद हो जाता है। तो यानी ये एक कल्ला के शेर पे लिखता है। सरकार जेड़े दिन का मैं इकरार कर बैठा ना, उस दिन की मेरी जिंदगी दोज़ख हो गई। देखिए, औरत को सबसे ज्यादा तहफ्फुज़ की जरूरत होती है। औरत के सामने आपको एक पहाड़ की तरह मजबूत, एक चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, उसका तहफ्फुज़ करें। मैं कहता हूँ कि मियाँ बीवी जो है ना, इनमें अक्सर जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, इनके अंदर जो बुनियादी वजह बनती है वो बहस होती है, ठीक है, और उस बहस को अगर आप शुरू ना होने दें तो कभी भी झगड़ा नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि बहस शुरू ना हो? डॉक्टर साहब मरीख तो रहेंगे नहीं? देखे, जब आप ये बात तो है ना कि मरीख में मुमकिन है कि बेगम से बहस शुरू ना हो। देखिए, ओके, इतनी ठंडी रह सकती है? इतने नहीं नहीं, बहस शुरू तो होगी। देखिए, ये देखिए ना, तो लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डॉक्टर साहब ने बताया कि बहस शुरू होगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब छोटी छोटी बहसें होती हैं मियां बीवी में, नहीं, आपने फरमाया कि बहस शुरू ना हो, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि शुरू ना हो। डॉक्टर साहब का बंदा आंख के कहना, आपने आप बात करें, मैं खामोश हूँ। बहस होगी ये कुछ दिन बाद में होगी। नहीं, वो पहली बात भी आपने गलत नहीं की कि देखिए, मैं बात करने लगूँ जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ कि आपको बहस शुरू ना होने दें, और अगर आपकी बहस शुरू हो जाती है तो आप वो जगह छोड़ें। सोनिया को भी यहाँ शामिल कर लें। सोनिया, आप मैरिड है? नहीं सर। वैसे अगर बहन भाइयों से या अपने काम के दौरान यही कैफियत हो कि शदीद गुस्सा आ जाए, यही सूरत हाल पैदा हो जाए, तो आप क्या करती हैं? माइक चुक के अगले दे सिर च मार दे।
मौके की मुनासबत को देखते हैं, जगह छोड़ देते हैं। आप भी जगह छोड़ देते हैं? कई दफा खामोश होना पड़ता है। माइक ना हो तो कैमरा कैमरामैन फोकस करो नहीं। क्राइम शोज के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए है ना, हर तरह के लोग मिलते हैं जी। ऐसे ही कोई ऐसा वाकया जिसने बहुत आपको मुश्किल में डाल दिया हो? कभी थ्रेट्स वगैरह मिलती हैं कि आप आके तो देखिए, प्रोग्राम करके तो देखेंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं, हटते नहीं है, डट के खड़े रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला तो गिरेबान फाड़ लेने जा। नहीं, मैं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं कानून चकनी नहीं करती, मौका नहीं देती हूँ जी। जो करती हैं कानून के अंदर करती जी। वाह, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, ब्रेवली। कैमरामैन बाबर के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजिकली और बायोलॉजिकली कितना डिफरेंस जो है वो मर्द और औरत में है? अब ये एक तस्वीर है दुनिया में कि भाई बिल्कुल, और हम मैं भी भाई ये समझता हूँ कि भाई जहानत के हवाले से आप अगर प्रॉपर तरबियत करें लड़के की लड़की की, तो दोनों एक जैसा रिजल्ट जो है वो जहन के हवाले से देंगे। तो हकीकतन ऐसा है या साइंस क्या कहती है इसमें? मैं आपको छोटी सी एक वाक्य सुनाता हूँ। जब हम हाउस जॉब कर रहे थे, कोई आके कहता ना कि कोई बच्चा लड़का बीमार आया है, तो हम फौरन भागे हुए जाते थे कि यार इसको फौरन ऑक्सीजन लगाओ ना, कुछ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर पता लगता ना कि ये फीमेल पेशेंट है, हाँ, कुछ 4-5 महीने की 3 महीने की, हाँ, तो हम कहते नहीं नहीं इसको थोड़ा वक्त भी लग गया तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, यानी रेजिलियंस जो है वो औरतों में मर्दों की नस्बत ज्यादा है। अच्छा, दे आर स्ट्रॉन्गर। तो बायोलॉजिकली हुआ ना जी? बायोलॉजिकली दे आर स्ट्रॉन्गर देन मेल। औरत वाकई जी बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा जी, ये बाबा जी की हालत देख लें आप। देखो ये एक औरत ने की है, एक ने नहीं की थी पुत्र। एक नाल ये हालत नहीं, एक नाल तो वो हालत होंगी डॉक्टर साहब सामने बैठे शरीफ आदमी, असं तो कोई 7-8 के डंगे हैं बेटा। क्यों डॉक्टर साहब, की नजर आता तुम, तुम भी आखिर तजर्बाकार? मैं तो यही नजर आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो हाँ कि तुहाडे नाल चंगा होया है। ये बताइए कि आपका ये कहना है कि जहन पे ऑलरेडी एक तस्वीर जो है वो नक्श होती है, ठीक है, और फिर जो भी चेहरा उससे मुमासलत रखता है कि उसके नज़दीक तरीन होता है, वो बुनियादी तौर पे आपको ज़ाहरी वज़ाकता से उससे मिलता जुलता होता है, वो आपकी पहली मोहब्बत करार पाती है। अच्छा, वो चेहरा जो आपके जहन में है वो चेहरा सारी ज़िंदगी नहीं मिला, और ठीक है जिंदगी को आगे बढ़ना है, और आपने जैसे कहिए कि भाई किसी को लाइफ पार्टनर बना लिया। नहीं, परसों मैंने मिलया ना एक मिलता जुलता चेहरा, हाँ, फिर भरावान ने मैनू चले। देखिए, इंसानी जो फितरत है ना वो एक्लामाइटाइजेशन कहते हैं उसको, कि एक्लिबिटाइज कर लेते हैं। अच्छा, जब बिल्कुल हाउ बहु नहीं मिलता तो उससे करीब तरीन जो होता है वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब करीब तरीन अच्छा लगना शुरू हो गया और उसके बाद किसी शख्स को वो हू बहू वाला मिल गया, मगर अब वो एक रिश्ते में बन चुका है। हाँ, तो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि लोग जो हैं वो बिल्कुल उस वक्त दीवानावार हो के तो उस तरफ लपकते हैं। अच्छा, आप देख लें सोसाइटी में ये तो वैसा होता है, और ये दोनों तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, होता है बिल्कुल दोनों तरफ से। आपके साथ वैसे कभी ऐसा हुआ? आई थिंक ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताऊं। अच्छा, नहीं जरा जरा यहाँ ठहरिए, ये एक मजे का पॉइंट है। अच्छा, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपके पास साथ शादी के बाद कभी ऐसा हुआ? आई थिंक शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। अभी आपने कहा कि पहले जी, उससे पहले हुआ, उससे पहले हुआ। अच्छा ठीक, पहले हुआ, ठीक है, शादी के बाद नहीं। तो शादी के बाद वो पहले वाला कभी मिला? आप मुझे फंसा रहे हैं। मैंने जो शादी से पहले वाला भाग गया था उसमें पूरी किताब लिख दी है। चलो मैं आपको इससे ज्यादा नहीं नहीं आप कर सकते हैं, कर सकते हैं जनाब, मैं जानूं तुम्हारी हालत इधर मेरे लिए हो गया। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बिग ब्रदर वन एंड ओनली डॉक्टर खालिद जमील, हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खान साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक, वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खान, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर खालिद जमील साहब, हमारे भी बड़े भाई हैं, वैसे भी बिग ब्रदर हैं। अभी आपने फरमाया कि शादी से पहले आपको एक चेहरा अच्छा लगा और फिर उसके बाद आपने ये कहा, पहले आपने कुछ और कहा मगर फिर आपने कहा कि शादी के बाद कभी अच्छा लगा, हमने मान लिया। भाभी जब ये प्रोग्राम देखेंगी वो मानेंगी कि नहीं मानेंगी, वो आप जाने और भाभी जाने, हाँ ठीक है ना, एक बार। लेकिन क्या वो चेहरा जो शादी से पहले आपको अच्छा लगा था और दोबारा भी आपको मिला, उसके बारे में कभी आपने भाभी के साथ शेयर किया कि बेगम ये मुझे पसंद थी एक जमाने में? नहीं, वो ये जानते ना कि औरत स्ट्रांग होती है।
वहाँ हमारी मुलाकात भी हुई। अच्छा। हाँ, और वो अपने विद देयर फैमिली एंड माय फैमिली वी मेट टुगेदर। अच्छा ठीक है। और मैं एक बात यहाँ पे वाज़ह करना चाहता हूँ। देखिए जो होती है ना, तो बहुत वजाहतें देनी पड़ेंगी आपको। इंटेंशनली जब आप इफ़ यू आर वेरी क्लियर और आप बिल्कुल सच्चाई की तरफ होते हैं तो फिर ये चीज़ें मायूब नहीं लगती। ठीक है, पहले एक चीज़ थी। हाँ, हाँ। वैसे मुझे इस पे शेर याद आ गया, इश्क के पाले हुए रोग मुझे अच्छे लगे। इश्क के पाले हुए रोग मुझे अच्छे लगे, हुस्ने अफसुरदा तेरे सोग मुझे अच्छे लगे। ये जो आप वाली कैफियत है ना कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुमसे पहले भी कई लोग मुझे अच्छे लगे। मैंने एक किताब में जुमला था मेरा कि वो यानी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं, आई डोंट माइंड, यानी नाम भी लेते हुए तुम्हें कि शान से उनका नाम था। अच्छा, तो वो मेरी फ्रेंच थी जी? नहीं, थी पाकिस्तानी। पाकिस्तानी थी। अगर वो मेरी हमसफर थी तो जो फरा है ये शरीक सफर है। वाह, ये आपने लिख दिया कि वो हम सफर। जी मैं लिखा, बिल्कुल लिखा। वाह, और उसके बाद भी आपका सफर ठीक जारी रहा? नहीं, हमारा सफर ज्यादा बेहतर हो गया। अच्छा नजब, ये जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की कैफियत, आप भी मैरिड खातून हैं, अगर आपके शौहर यही बात कहें कि भाई तुमसे पहले एक शौंजे थी और फिर अब मगर वो हम सफर थी और तुम अब शरीक सफर हो, तो क्या फीलिंग होगी आपकी? स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, चाला कप स्ट्रॉन्ग, चाला कप बजेगा ना, खलोते हम सफर। अगले शो च पाए ना इतने बैठे हो गए ट्रिपला। हमारा अगला सेगमेंट है बूझो तो जाएगी। जी आपके कभी मियां साहब ने साबका मोहब्बत डिस्कस की आपसे, असल में ये बात? हाँ बिल्कुल की है। वाकई? अच्छा, बिल्कुल। और मैंने, आपने हालिया कुछ चीज पकड़ी हाथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि उन्होंने डिस्कस किया, मैंने सुना और मैंने उसको पॉजिटिव लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसके बाद जब उसको आप दोबारा अटेम्प्ट करते हो, तो आई गेस आप बेहतर अंदाज में आते हो। और मुझे लगता है बहुत सारी कमियां। इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं जी, मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत हो सकती है आपको एक दफा, दो दफा, अगर तीन चार दफा हो तो फिर वेलो थोड़े समय। नजब, प्रोग्राम के अगले मरले में क्या है? जी, इस वक्त हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट और सेलिब्रिटीज से रिडल्स पूछते हैं और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। जी, पहली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब और सोनिया, मिस्टर मिसेज वॉन्ग, दो चार मोहब्बत का नतीजा। मिस्टर एंड मिसेज वॉन्ग खुद दो हो गए, हैज थ्री सन्स, ईच सन हैज वन वाइफ, वन डॉटर, वन सिस्टर, ये पूरा कुनबा कितने अफराद पे मुश्तमिल है? इसमें 2%, 3, 5, 3 wives। नहीं बताइए कैसे, मिस्टर एंड मिसेस वॉन्ग? दो तो वो हो गए, ठीक है, तीन उनके बेटे हो गए। ओके, कितने हो गए? उनकी वाइफ हो गई, 5 और 3, 8। 8 हो गए, और एक डॉटर है, 9, और एक सिस्टर है, 10। 10 लोग हो गए, आपके ख्याल है 10 लोग हैं? जी। हेलो नजर साहिबा, चीता प्रिंट कहाँ खो गई आप? सोच रहे हो कितने होंगे? तुसी सोची पहना ही सी, उन्हें आगे इंज दी लाई है। उन्हें याद करा दा, उन्हें सोच रही बेचारी कि किधरे वो प्याले प्यार को नहीं बैठे ना, तो सोने आई मैं इसे पहलियां बोझ रही हूँ, उसे बुझार था पा रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना, और आपने खुद कहा कि खुद उन्होंने आपको बताई ये बात? बिल्कुल ऐसे। तो फिर परेशानी की क्या नहीं बात? परेशान तो मैं कभी भी नहीं हुई। नहीं, मैं परेशान तो कभी भी नहीं हुई। मैं वैसे ही सोच रही थी, मैं रिलैक्स रहती हूँ, कहीं वो भी तो नहीं रिलैक्स हो रहा। क्या चाह रहे हैं? मैं इतनी चिंता में नहीं है, क्या बाहर हिरनियां पड़ रहे? ये चाह रहे हैं कि आप प्रोग्राम के बीच में से उठ के चली जाएं और जाके देखें क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो, बहुत लॉयल आदमी हैं, हम जानते हैं। नहीं नहीं सर, मैं वाकई परेशान नहीं हूँ, बस ये दसो शो कदम मुकना। डॉक्टर साहब, आई थिंक ये सही कहा इन्होंने, 10 कैसे? डॉक्टर साहब देखिए, एक तो मियां बीवी हो गए, दो पर्सन। अच्छा, उनके तीन बेटे, 5,
फाइव हो गए, फाइव हो गए, उनकी तीन बीवियां हो गई, ठीक है, तीन बेटों की आठ हो गई, और एक उन्होंने कहा कि उनकी बहन है, तो वो तीनों की एक ही बहन जो है वो तीनों की बहन होगी, सही है ना, तो नाइन हो गए, और एक छोटा बच्चा है, टेन हो गए, टेन हो गए जी। डॉक्टर साहब न्यूरोसाइंटिस्ट हैं डॉक्टर साहब, है ना, मैथमेटिशियन नहीं है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल पिछले प्यार जी खोए ने, आप जरा पढ़िए इसको, देखिए ना, वो मियां बीवी हैं, दो हो गए, उसके बाद यहाँ पे तीन बेटे उनकी नजर नहीं आ रहे, वो आप नहीं, मैं आपको ये क्लू दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, कि आप अगर एग्जैक्ट इसको पढ़ते चले जाएंगे और साथ साथ काउंट करते चले जाएंगे तो हम जवाब पे पहुंच जाएंगे। मुझे जरा पढ़ने में, अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब, मिस्टर एंड मिसेज वांग कितने हो गए, दो, दो, हैज थ्री सन्स, फाइव, फाइव, ईच सन हैज वन वाइफ, एट, वन डॉटर। जुमले की कंस्ट्रक्शन देखिए, मिस्टर एंड मिसेज वांग हैज थ्री सन्स, ईच सन हैज वन वाइफ वन डॉटर, तो फिर ये तीन बेटियां हो गई, तीन बेटियां होंगी, आप कितने हो गए, अब तेरह, पहले आठ थे ना जी, तो अब ये आठ थे तो अब ये नौ दस ग्यारह हो गए, ग्यारह होगी, वन सिस्टर, मिस्टर एंड मिसेज वांग हैज थ्री सन्स, ईच सन हैज वन वाइफ वन डॉटर वन सिस्टर, तो सिस्टर तो कॉमन हो गई ना, हाँ, तो बारह हो गए, तो अब कितने हो गए, बारह हो गए, यस। अंग्रेजा जी भी दर्जन बच्चियां दा रवाज। So are you ready for next riddle, doctor? जी जी, sure. आयशा जी, ए riddles तो फाइलें जरा नजफ ने थोड़ी इजाजत दियो, फोन कर लो। अरे मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। ए ना ना, वे कि तुसी ट्रस्ट कर रहे हो, वो तो उथे कोई ट्रस्टी बनी हो। ते पायन भी उथे ट्रस्टी करो बने हो। हल्का सा नाना पटेकर नजर आया आपके अंदर, वो कैसे, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि वो मेरे लिए क्या है, अगर वो मेरा ट्रस्ट छोड़े तो मैं उसकी लत्ता ना तोड़ दिया। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त, हमारे साथ मौजूद है सोनिया खान एंड वन एंड ओनली डॉक्टर खालिद जमील, बिग ब्रदर, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खान साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब, और क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में नजफ, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और डॉक्टर साहब पब्लिक कुछ भी पूछ सकती है आपसे, क्या आप प्यार हैं जी, सोनिया कुछ भी कर सकती है, तो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरी डॉक्टर साहब से फरमाइश है कि कोई लतीफा या शेर सुना दे। अरे जल्दी फटाफट सुना दे, लतीफा तो नहीं लेकिन शादी के होते हुए मैं आपको एक बात बताऊं कि हर शख्स के अंदर एक छोटा मोटा शायर जरूर होता है, वो अलग बात है कि निकले या नहीं निकले, तो मैं एक शेर आपको अपनी सुना देता हूं, जिंदगी में हम सफर भी हो, शरीके सफर भी हो, जरूर होता है वो, तो मैं अपने ही एक शेर आपको सुना देता हूं, मैं दो चार ही शायद जिंदगी में, ये जरूर बता दिए कि हम सफर के लिए है कि शरीके सफर के लिए, वो आप समझिएगा। कुछ छोटी छोटी बातें थी, कुछ झूठे झूठे सपने थे, अरे वाह, कुछ छोटी छोटी बातें थी, कुछ झूठे झूठे सपने थे, जो लोग नहीं हैं अब हम में वो लोग कभी तो अपने थे, अरे मैं जितों तक समझिया हम सफर रास्ते जी। डॉक्टर साहब देखते हैं कि जबरदस्त पब्लिक और क्या जानती है और क्या जानना चाहती है अब दोनों के बारे में। मेरा सोनिया से सवाल है कि आप क्राइम शो भी करती हैं, क्राइम के सिलसिले में आपका दीवारें फैलांगने का काफ़ी तजर्बा होगा, तो जब आप घर लेट जाती हैं तो क्या आप दरवाजे से जाती हैं? आप भी मेरे हाल की तरह चोरी करने गए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं लेट जाती हूँ तो मैंने इन्फॉर्म किया होता है, मुझे कॉल अच्छा। आ रही होती है घर से बार बार, तो इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि दीवार फलांग के जाऊँ जाना पड़े। लेकिन ये होता है कि कभी कोई स्टोरी आप कर रही हैं तो इधर से जंप किया, उधर से पहुंच गए, फायरिंग हो गई, ये हो गया वो, ऐसे हो जाता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ चल रहा हो इस तरह और ऊपर से हम भी जाएं, तो इस तरह चलता रहता है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। अच्छा, नहीं मैं नहीं कह रहा कि आप डरती हैं, मतलब कोई ऐसा वाकया है कि इधर से शां करके गोली निकल गई हो? नहीं, तुझे जरूर कटनी है शां करके। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं, इंशाल्लाह होगा भी, नहीं, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और आप बहुत हौसला जी। मेरा
मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि वो संजीदा मिजाज लगते हैं, कोई ऐसा वाकया जिसे सुनकर पेट में बल पड़ गए हो? हंस हंस के नहीं, संजीदा तो बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम वेरी मतलब हाँ एक खुश मिजाज आदमी है। हाँ बिल्कुल, अपने एक पेशेंट के हवाले से सुना देता हूँ, हो सकता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। तो एक दफा एक पेशेंट आया तो उसने मुझे कहा कि उसके साथ उसका एक दोस्त, अच्छा, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब इसको मैंने फैसलाबाद में दिखाया था, तो ये मुतमईन नहीं हुआ क्योंकि ये कहने लगा कि ये डॉक्टर जो है इसने तो सिर्फ 500 रुपया फीस ली, अच्छा। तो ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो कहने लगा कि मैं फिर उसको, अच्छा फीस 500 रुपये ले रहे हैं कि इलाज करना है। तो उसने गुजरांवाला मुझे ले गया, तो उधर 1000 रुपये वाला डॉक्टर था, मैंने उसको दिखाया, अच्छा। तो ये उससे भी मुतमईन नहीं हुआ, कहने लगा जो अच्छा डॉक्टर होता है उसके पास भारी भरकम फीस लेता। तो मैं फिर इसको लाहौर ले आई हूँ, आप बताएं आप कितने 1000 रुपये वाले डॉक्टर? अच्छा उसका मैार जो था वो पैसा था, फीस था। तो मैंने उसे वो करोगटी लाइन निकले, मैं थोड़ा मजाक में भी आ गया, तो मैंने वैसे ही मजाक से उसे कह दिया, मैंने कहा कि मैं तो 5000 रुपये वाला डॉक्टर हूँ। तो वो उसको कहने लगा कि देखो मैं बिल्कुल सही जगह पे ली। फिर क्या हुआ? कहने लगा नहीं, आपने जो बोला आप ये बताएं कि आप हमसे क्या लेंगे, अच्छा मैं आपको इतना नहीं दूंगा जिस तरह बार्गेन करते हैं ना, अच्छा। मैं आपको 3000 रुपये दूंगा। तो मेरा जो कहने का मैसेज था वो ये था कि हमारे यहाँ लोग ये भी जो कि गलत बात जी 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 कि डॉक्टर को देखते हैं कि फीस किसकी ज्यादा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में डॉक्टर साहब का रवैया है कि वो चीज का इंतखाब शॉपिंग करते हुए भी बाज़ूकात अपनी पसंद या नापसंद के हवाले से नहीं करते, उसकी प्राइस टैग के हवाले से। अच्छा दवाई आप लिख के दे देते हैं ना जो किसी पेशेंट को, जी जी जी, आप हैरान होंगे अगर आप सस्ती दवाई लिख के दे देते हैं बाज़ूकात वो फेंक देते हैं। हाँ, वो कहते हैं 200-250 की दवाई दे दी इससे क्या ठीक हो जाए। शायद डॉक्टर साहब ने भी उस मरीज की साइकी पढ़ ली, इन्हें कहा ठीक है 3000 ही दो, 3000 ला के फिर अद्धा टीका लाया, पूरा लाया ही नहीं। एक बार फिर बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा सोनिया से यह सवाल है कि शो के दौरान किन मुश्किलात का सामना होता है, कभी ऐसा हुआ है कि कोई दिल फेंक पीछे ही पड़ गया और जान छुड़ाना मुश्किल हो गई? आप मेरी बहन दी रखी करो। ऐसे लोग होते हैं, फिर क्या करती है? माइक मार दी मत्थे कैमरामैन बाबर के साथ। बस कैमरामैन भी हैंडल कर लेते हैं और मैं भी खुद भी कह देती हूँ, अच्छा। कि नहीं नहीं भाई पीछे रहे, अच्छा जी टुट पैने हैं तेनू शर्म नहीं आउंदी तेरा रवे ककना। जी आगे बढ़ते हैं जी। मेरा सवाल डॉक्टर खालिद जमील साहब से है कि मैंने देखा है आप मोहब्बत और हुस्न पे बहुत बात करते हैं, क्या आप दिल फेंक डॉक्टर थे? अरे वो एक दाने वाली मूंगफली होती भाई, क्या कहने। ऐसा नहीं है, वो तो चूंकि आपने क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, अगर आप ये क्वेश्चन ना पूछते तो किसी और हवाले से जवाब देते। नहीं मोहब्बत आपका मरहूब महबूब मौजूद है तो सही डॉक्टर साहब। आई थिंक इन्होंने मेरी किताब पढ़ी होगी, हाँ। तीसरा जन्म, हाँ। तो चूंकि उसके अंदर सवाल करने वाले तभी डॉक्टर साहब तीसरे जन्म। यार ये मुसलमानों का पहले दूसरे तीसरे जन्म से क्या लेना देना, एक जिंदगी और फिर ऊपर। अच्छा जी ऐसे भी जाना ला जी। नहीं नहीं अल्लाह ताला उसे अल्लाह जिंदगी दे। जी डॉक्टर साहब मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं बेगम साहब? आई थिंक हम जितने जो फ्रेंकली गुफ्तगू करते हैं, हाँ। उसी में मोहब्बत छुपी होती है, आपको कहना नहीं पड़ता। मुझे तो ये जो जुमला है ना कि आई लव यू, हाँ आई थिंक ये बड़ा बेमाने जुमला, कितना अरसा हो गया निगेशन का जुमला कहे हुए आपको, क्या तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। इन बिटवीन द लाइंस होती है, हाँ। दुरुस्त है लेकिन इस तरह से बाकायदा कहते हुए भाई आई लव यू कितना अरसा हो गया, इन्हें जरा मंजर कशी पसंद है। नहीं आई थिंक वो तो बात पहुंच जाती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप तो देखे ना साइकोलॉजिस्ट हैं साइकियाट्रिस्ट हैं, तो इसके इजहार भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आई थिंक बॉडी लैंग्वेज इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है, ये आई लव यू कह के अनकॉन्शियस हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब का अपना स्टाइल है जी, अपनी वाइफ के सामने खड़े होकर कहते हैं कि बेगम देखो तुम समझ तो गई होगी, नहीं यार आई लव यू बोलने नहीं आया। अच्छा आई लव यू बोलने का फायदा कोई नहीं। देखो आई लव यू वो बोलते हैं जिनको अपने प्यार में यकीन ना हो। अब आई लव यू मैं तुम्हें बोलूं मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आई लव यू जो है ना वो बोलना नहीं चाहिए। आई लव यू एक बड़ी अच्छी चीज है लेकिन मैं बोल करना उसका उसकी चाशनी खत्म नहीं करना, लेकिन जो आई लव यू है भाभी आके कहते ने 700 बारी होनी जो कहता है तो मैं डायरेक्ट ही कह दे।
बीवी से जो इजहार मोहब्बत है वो सबसे बड़ा ये होता है कि आप उसकी तारीफ करें। अच्छा, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप तारीफ करते हैं तो उस वक्त एक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आप सारे जानते हैं, डोपामीन, जो सबसे ज़्यादा खुशी वो हिट करता है। वाह, मैं तो अक्सर अपने पेशेंट्स को भी जहाँ मुझे लगे कि ज़रा थोड़ी सी कुछ चल रही है, छोटी छोटी बातें होती है, खाना 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 अच्छा पका, आपने आपने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कभी आपने कहा कि बेगम आज तो बिल्कुल हमसफर जैसी लग रही हो? नहीं, वो हमारी चलती रहती है, चलती हमारे घर में मेरा ख्याल है हर रोज कोई ना कोई उस मौजू पे छोटा मोटा कोई गुफ्तगू हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये जो है बीवी के साथ जो मोहब्बत का इजहार है, खाने की तारीफ कर दी, खाने की तारीफ कर दी, कपड़ों की तारीफ कर दी, दिस इज वन शुड नॉट बी माइजर। ठीक है, और ख्वातीन को जो बेगमात हैं उनको क्या करना चाहिए कि यही सरखुशी जो है ये शौहर को भी हासिल हो? आई थिंक इसी तरह जो बीवियां हैं उनको भी इनकरेज एंड मोटिवेट करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए बीवियों की। आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। भाई जैसे कपड़े तुम धोते हो धोबी भी नहीं धोता। यार वैसे इसमें हम हंसते क्यों हैं, ये एक नॉर्मल बात होनी चाहिए माशरे में। अच्छा हसन तो बाद याद आया जी, देखते हैं कि जबरदस्त पब्लिक और क्या जानती है क्या जानना चाहती है दोनों के बारे में। मेरा सोनिया से ये सवाल है कि कभी ऐसा हुआ है कि शो के दौरान कोई शख्स माइक खींच के भाग गया और शो जारी रहा हो? इधर तो भी खोल ऐसी ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी हटाया कि पीछे कर दो? मैं नहीं, नहीं मुझे लोग माइक पीछे करो, माइक बहुत रूड होते हैं। अच्छा, फिर आप क्या बहुत मिसबिहेव करते हैं? फिर आप क्या करती हैं? फिर वही तरीका जी, माइक होते मथे छो। कैमरामैन बाबर के साथ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही शानदार मेहमान, हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खान, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया खान, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब। डॉक्टर साहब, एक भरपूर जिंदगी आपने गुजारी, मगर कोई रिग्रेट जिंदगी में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दो तीन रिग्रेट्स हैं जो मुझे कर लेने चाहिए थे। एक तो मुझे ये लगता है कि मैं प्रैक्टिकली जो मेरा विजन था कि मैं रिहैबिलिटेशन के हॉस्पिटल बनाऊंगा, वो मैं नहीं बना सका। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह गुर्दों के वार्ड होते हैं, हार्ट के वार्ड होते हैं, जो स्पेशल लोग हैं जो उनके लिए एक बेड भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा एजिटेटिव होना चाहिए था और मुझे प्रेस करना चाहिए, वो मैं नहीं कर सका। दूसरा जो रिग्रेट मुझे लगता है वो अभी तक जितनी भी इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है माशाल्लाह, अगर मैं चाहता तो वो काफ़ी मैं बेहतर कर सकता था। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी भी कदर मैं कर सकता था। बिल्कुल, लाइफ है जी, लेकिन फिर भी हमें तो लगता है कि आपने जो अचीव किया वो शायद ही कोई कर सकता हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए मुझे, यानी आप ये समझें कि अगर 100% में से मुझे 90% करना होता तो मैं 90 नहीं कर सका, मैं से अबाउट 40 कर सका हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि आपका बड़ापन है, इनकसारी है कि आप ऐसा कह रहे हैं। आई डोंट नो, बट दिस इज़ हाउ आई फील। और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था, शायद ये बहुत कम लोगों को पता है, कि मेरी सेंसेशन तो नहीं है। चलिए, ये तो एक अलग बात होगी। आपने कभी महसूस किया कि आपकी पाँव सो जाए तो कितनी आपको जी किस कदर जी? हाँ, ये मेरी दोनों टांगें जो है ना, ये उसी कैफियत में होती हैं। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था उस वक्त, भारीपन मोटापन जो है वो रहता है आपको, और सुइयाँ चुभ रही होती हैं। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त एक ऑपरेशन था, राइजोटमी कहते हैं, तो उससे मैं चलना बिल्कुल ख़त्म हो जाता, लेकिन ये ख़त्म हो जाती तकलीफ, तो मैंने इसको गवारा कर दिया था। इससे मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है काम, चूँकि हर वक्त तकलीफ बहुत, हाँ, वो बहुत कम हो गई है। तो आई थिंक अगर मैं उस वक्त व्हील चेयर चूज़ कर लेता दैट प्रॉब्ली वुड हैव बीन बेटर फॉर मी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको उदास कर देती हो बीवी, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा जिसे कहते हैं ना आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो आपके लिए? आप बहुत मजबूत आदमी हैं, मगर फिर भी जो बहुत, आई थिंक दैट्स माय मदर डाइड फ्यू इयर्स अगो, तो वही एक बहुत बड़ा, उनको मैं ज्यादा सोचता भी नहीं उनके बारे में। अच्छा, आई थिंक दैट्स द ओनली, एंड आई नो योर एसोसिएशन विद योर मदर आल्सो, आई थिंक माय सारी ऐसी ही होती है, वरना उसके अलावा कोई ऐसा ऐसी चीज नहीं है। उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत, बल्कि आपसे शेयर करता हूँ कि मैं गांव से, मैं जेलम का हूँ रहने वाला, तो मैं जब गांव से लाहौर आता हूँ
तो जब अम्मी हयात थी तो मुझे दिन जब वहाँ पे 3 घंटे लगते आने में तो 3 फोन आया करते थे हर घंटे के बाद, अब कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे। तो व्हेन शी डाइड, तो उस दिन जब मैं वापस आ रहा था तो जब मैं गुजरात के करीब पहुँचा तो मुझे लगा कि फ़ोन आना चाहिए था, तो नोबडी रैंग मी अप, तो आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आई। तो जब मैं गुजरांवाला पहुँचा तो फिर मुझे लगा कि मुझे तो कोई पूछने वाला ही, नोबडी ऑन अर्थ, दे अल्लाह ताला के बाद जो कोई खूबसूरत तरीन रिश्ता है वो माँ। सुभान अल्लाह, इसीलिए तो देखिए ना उसने अपनी रहमत की मिसाल जो है जी, उसके लिए माँ की मिसाल जो है चुनी है। मैं 70 माओं से ज़्यादा तुम्हें मिसाल बनाया। बिल्कुल। सो सोनिया, कोई रिग्रेट? मैं गुस्सा बहुत करती थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी गुस्सा किया जहाँ पे नहीं करना बनता था। मैं जब 2.5 साल की थी तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो मैं बड़ी वो बच्ची थी जो हालातों की मारी हुई, और मैंने अपने बचपन में बहुत ज़ाहिर बात प्यार करते थे लेकिन दुख बहुत देखे हैं। तो मेरी परवरिश कुछ ऐसी हुई कि मेरे में बहुत गुस्सा था। मैं स्कूल में जब किसी के साथ मेरा झगड़ा होता था तो मैं उसे मारना शुरू कर देती थी, मैं बहुत चिल्लाती थी ऊंचा, तो मुझे वो मेरे गुस्से पे आया। मैंने बहुत सारे लोगों से मिसबिहेव किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मुझे अब रियलाइज़ होता है कि काश वो मुझे मिले और मैं उनसे कहूँ कि मैं उसकी अपोलोजाइज करती हूँ, मैं सॉरी करती हूँ। कुछ लोग नहीं भी हैं तो वो जो मेरा गुस्सा था ना उसका मुझे आज तक दुख है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो कन्फेशन किया, यही लोग इससे सीखते हैं कि वक्त पर वो जो नीजक रिएक्शन है, हमें ऐसा काम ही नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए जो कल को हमारे लिए किसी रिग्रेट का बायस बने। तो यही आप लोगों से सीखने वाले। डॉक्टर साहब, कोई बात जो ज़िंदगी में आप कभी किसी से कहना चाहते हो, किसी रिश्ते से, वो दुनिया में है नहीं है, न कह पाए हो, आप हैं और कैमरा है आज के दिन। अम्मी से आगे तो कोई चीज़ नहीं, और अम्मी ही को सोनिया। मेरी स्टेप मदर हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि शायद मेरी जो मामा है वो भी ना करती। तो आज आप तो मैं उनसे कभी ना उस तरह कभी इजहार नहीं किया, मतलब मैंने कभी उनको शो नहीं करवाया कि मुझे पता है कि आप मेरी माँ से ज्यादा मुझे प्यार, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत अजीज हैं। तो कही कि आखिरत में जब मैं अपनी मामा से मिलूंगी तो मैं उनको एक ही जगह पाऊंगी, उनको पीछे नहीं करूंगी। मतलब मेरी ज़िंदगी में जो वो रिप्लेसमेंट है ना, वो बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट हुई है। वो अल्लाह का हुक्म था, मेरी मम्मा का इंतकाल हुआ, लेकिन मुझे मेरी माँ के रूप में एक ऐसी लेडी मिली जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। ब्यूटीफुल बात है। नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। जी डॉक्टर साहब, जबरदस्त गूगली, तैयार हैं आप? जी तैयार हैं। जी डॉक्टर साहब, ये है ग्लैमरस गूगली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद जमील साहब के लिए आप इनको अगर रेट करें, इन चारों ये सब कॉन्टिनेंट की नामवर अदाकाराएं हैं, माधुरी दीक्षित साहिबा, मधुबाला, रानी बेगम और नीली साहिबा, तो हुस्न के हवाले से, अदाकारी के हवाले से कैसे रेट करेंगे आप? मधुबाला मेरे तो बड़ी बाकी थी। आई थिंक मधुबाला आई वुड रेट हर एज नंबर 1। ना, ब्यूटी में या एक्टिंग में? मधुबाला ब्यूटी में भी और एक्टिंग में भी। एक्टिंग में भी, तो ये तो बिल्कुल आपने इनको अलग कर दिया, बिल्कुल टॉप पे आ गए। ठीक है, उसके बाद बाकी जो रानी है, इनको चूंकि मैं हमारे जमाने में मूवीज थी तो मैंने देखी हुई है, एंड आई थिंक शी वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। हमने आपके लिए तो इनको शामिल किया, तो बस इनको मैं सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा। ठीक है, हुस्न के हवाले से, अदाकारी के हवाले से? आई थिंक दोनों के हवाले से। तो आंखों का ही जवाब नहीं था। जी शाह जी, जब रानी बेगम की फिल्म लगती थी डॉक्टर साहब तो सहन में बाहर नहीं सुना। आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली जो पहली फिल्म मैंने कभी देखी है तो वो इन्हीं की थी। सुरैया भोपाली, अंजुमन, अंजुमन फिल्म मोगे से डॉक्टर साहब ने बैटरी मार के गया, डॉक्टर साहब मोगे ही आ वो कह रहे थे डॉक्टर साहब अंजुमन हुई तमाम। अच्छा जी, रानी बेगम डॉक्टर खालिद जमील के लिए हुस्न में भी और एक्टिंग में भी नंबर 2 हो गई। जी हां, मधुबाला के बाद नंबर 3 पे, एंड आई थिंक माधुरी दीक्षित हुस्न या एक्टिंग? आई थिंक मैं तो दोनों ही को इकट्ठा कर। और नीली साहिबा? I'll put her on number 1. She was excellent. ठीक है। I've not seen her movies. उस तरह से देखा नहीं। हाँ, उस तरह मैं जानता हूँ।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी पसंद बताई सबके हवाले से, माधुरी को देख के फौरी तौर पर कौन सा गाना इनका आपको याद आता? दयावान जी जेड़ा बने उदखना ना आज फिर तुम पे प्यार आया है। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो याद नहीं है, इतना सरसरी ही हम कह सकते हैं। वाकई याद नहीं, ऑनेस्ट वर्ड नहीं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीखने को मिलता है, और आप जैसा कि हम हमेशा ये मानते हैं, पूरी कौम मानती है कि आप इंस्पिरेशन हैं लोगों के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनेस्टली आई एंजॉयड। आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, इसी तरह काम करती रहिए, तरक्की करती रहिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह एक शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, ख्वाबों के हवाले से एक शेर जो है, सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, जिंदगी घेरने वाली है अजाबों में मुझे। वाह, ये था आज का जबरदस्त, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।